पहले तो जोशी जी को आना था, पर किसी कारण से उनका तबीयत खराब हो गया और वो नहीं आ पाए। और बहुत कम टाइम था, हम लोगों ने डॉक्टर दीपक से रिक्वेस्ट किया कि वो हम लोग का कल एक लेक्चर ले ले, क्योंकि उनके पास जो जीआईएस क्षेत्र का ज्ञान है वो बहुत बृहद है। और अभी पीएचडी करके आए और बहुत सारे अच्छे अच्छे पेपर हम लोग के डॉक्टर दीपक ने कई, मतलब नास रेटिंग के 10 से ऊपर कई सारे पेपर इस साल निकाले हैं। और बहुत ही यंग और डायनेमिक हमारे डॉक्टर दीपक जो साइंटिस्ट है, मैं उनका टाइम न वेस्ट करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर दीपक को इनवाइट करता हूं कि वो आज का लेक्चर शुरू करें। आइए प्लीज, आइए आइए। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। हाँ चौधरी जी, आज आप इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो लेक्चर हम लोग आप जो आप लोगों को डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ, ये प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ जीआईएस का कैसे होता है, इसका डेटा कैसे हम लोग यूज करेंगे जीआईएस के प्लेटफॉर्म पे, तो जीपीएस का क्या रोल होता है आज हम लोग ये पढ़ेंगे, और इसका कैसे ये वर्क करता है और इसका यूज कैसे एग्रीकल्चर में हम लोग किया जा कर सकते हैं, उसके लिए हम आप इसमें डिस्कस करेंगे कि ये टूवे मतलब उधर से भी आवाज चढ़ती होगी ना। हाँ, ये कोई बताएगा कि मतलब आप लोग इससे पहले जीपीएस के बारे में कुछ जानते हैं? चलिए शुरू करता हूँ, तो मैं आप लोगों को बता। डॉक्टर डॉक्टर साहब, बेसिक से शुरू करिए प्लीज। ठीक, थैंक यू सर। तो ये सब जो हम लोग सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये ओवरव्यू दे दे रहे हैं कि क्या नाम है जीपीएस, ये इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, जीपीएस का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ये कैसे मतलब हम लोग ये इस सिस्टम में आया था कि हम लोग इसका क्यों जरूरत पड़ा, फिर इसके क्या क्या जीपीएस के कंपोनेंट्स होते हैं या बोल सकते हैं आपके क्या सेगमेंट्स होते हैं, वो कैसे काम करता है, फिर जीपीएस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर इसमें जीपीएस जो हम लोग सब लोग तो जानते हैं लेकिन जीपीएस में जो सिग्नल्स, जीपीएस के कुछ सिग्नल्स होते हैं कैसे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे हम लोग तो अपना मतलब बोल के एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन जीपीएस कैसे अपने आप को मतलब एक्टिव रखता है, कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और फिर जीपीएस कैसे वर्क करता है, और जीपीएस में क्या क्या इरर्स होते हैं, ये सब भी, जैसे हम लोगों का हेल्थ खराब होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इसी तरह से जीपीएस अगर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या करने पड़ेंगे और कौन कौन से इसमें इरर हो सकते हैं, फिर डिफरेंशियल एक उस अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंशियल जीपीएस होता है, और फिर इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फिर एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर के अलावा और भी अदर सेक्टर्स में क्या क्या होता है ये, और उसके बाद इसका टोटल ओवरऑल सारांश क्या है। तो पहले तो हम आप लोगों से ये बताना चाहेंगे कि जैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ कोई भी चीज का, सिस्टम का, ये मतलब हमेशा ही मानते हैं कि जैसे आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो अगर जीपीएस की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर एक ऐसी मतलब टाइम पीरियड होता है जहां पे सबसे ज्यादा इवोल्यूशन हर चीज का हुआ है, तो ये जिसका जीपीएस का इवोल्यूशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शुरू हो गया था, लेकिन उसके अलग अलग कंपोनेंट्स थे और उससे पहले भी, ऐसा नहीं है कि जीपीएस जीपीएस एग्जैक्टली क्या करता है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई मतलब जीपीएस एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सिर्फ पोजीशन बताता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का थ्री डायमेंशन पोजीशन बताता है, तो क्या इससे पहले, क्या जीपीएस से पहले कोई चीज नहीं था क्या, कि हम लोग अगर नहीं था तो कैसे मोटिवेट एक प्लेस से दूसरे प्लेस से या कोई प्लेस का कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते थे, तो जैसे अगर हम देखेंगे कि जो हमारे एंसेस्टर थे या जो पहले के पुराने के लोग थे, तो ये सब लोग आप लोग अवेयर होंगे जी, बस एक दूसरा नाम डाल दिया गया है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, लेकिन इससे पहले भी जो पूर्वज थे हमारे वो कुछ ना किसी तरीके से हमेशा अवेयर होते थे एक प्लेस के बारे में, तो पहले लोग जैसे अभी भी प्रेजेंट टाइम के चीजें अभी भी इस समय भी हमारे सिस्टम में अवेलेबल है, जैसे जो अभी रोड के साइड पे जाएंगे आप लोग, क्या नाम, जो स्टोन्स पे मार्किंग होती है वो भी आपका एक जीपीएस सिस्टम ही है, कि अगर अगर आपको स्टोन पे एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पे मार्क कर दिया गया है तो ये आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा हाँ हमारा गांव ये है या हमारा क्या नाम है ऑफिस ये है, तो ऑफिस से सेलाकुई या कोई भी लोकेशन कितना दूर है, तो ये जीपीएस का काम यही होता है कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे या आपका पर्टिकुलर लोकेशन किसी डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर स्पेस से कितने दूर पे है आप, तो इसके फिर धीरे 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 धीरे, जैसे पहले ये स्टोन हो गया, फिर आपका नेविगेशन, जो पहले देखेंगे लोग स्टार को देख के अपने आप को नेविगेट कर लेते थे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किधर
ये उन लोगों का ये अपना विजुअलाइज था, ये सब मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे आए थे कि एक मतलब अपने पूर्वजों से धीरे 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 बता, अच्छा ये टाइम ये होगा, इस समय ये होगा, तो यहाँ पे स्टार, ये स्टार यहाँ आएगा, दूसरा स्टार कहाँ जाएगा, तो उसके अनुसार वो लोग अपना मतलब जो भी उन लोगों का मूवमेंट होता था उस बेसिस पे करते थे। लेकिन हर सिस्टम के जो पुराने सिस्टम थे, हर सिस्टम के कुछ ना कुछ अच्छे और बुराइयां होती थी, तो बहुत सारी चीजें मतलब धीरे धीरे आई। फिर आपका जो अभी मॉडर्न में मान लीजिए, फिर कंपास आया, फिर कंपास को फिर नेविगेशन के लिए लोग यूज करने लगे, कंपास अच्छा इधर है ना, इस कंपास को मतलब लोग यूज करने लगे कि कंपास का यूज करके फिर वो अपना मूवमेंट एक दूसरे से करने लगे कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है। लेकिन फिर उस जो सेकेंड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में रसिया और क्या नाम है यूएसए ने, दोनों लोगों ने ये फिर अपना ये सिस्टम शुरू किया। तो सबसे पहले जो क्या नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय शुरू हुआ जीपीएस का, क्या कैसे मूवमेंट कैसे ट्रैक करते हैं अपने आप को और दूसरे जो अपोनेंट होते थे वो कैसे ट्रैक करते थे। तो जैसे एक रेडियो वेव, उन लोगों ने रेडियो बेस्ड वेव सिग्नल बनाई, उस सिग्नल के बेसिस पे उन्होंने क्या करते थे वो लोग कि अपना सिग्नल्स भेजते थे और उसका रिसीवर होता था। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता था कि वो बहुत ज्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता था, और दूसरा ये होता था कि आप जंगल में नहीं यूज कर सकते, मतलब आपको फ्री एरिया होना चाहिए, मतलब किसी भी ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, अगर क्योंकि रिसीविंग में अगर ऑब्स्टेकल होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था, तो एक्यूरेसी नहीं आती थी। तो रेडियो वेव आया, फिर रेडियो वेव के बाद 1940 फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर मतलब शुरू हुआ, फिर सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम आया। तो उस समय 56 और 59 के बीच में फिर इन्होंने जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्या नाम है सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम शुरू हुआ, डोपलर लो फ्रीक्वेंसी डोपलर मेथड के उस पे बेसिस पे शुरू हुआ वो, कि मतलब जस्ट एक ऑर्बिट उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे 600 किलोमीटर या कुछ ऐसा, लेकिन बहुत ऊपर तक नहीं भेज पाते थे। उसका क्या ड्रॉबैक था कि वो भी बहुत ही स्मॉल मूवमेंट के लिए कर सकते थे, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे ये पहले रेडियो हुआ, फिर सेटेलाइट बेस्ड लो ऑर्बिट में आया, फिर लो ऑर्बिट के बाद 1971 और 2 के आसपास एक क्या नाम है फिर क्या नाम, ये जो जीपीएस सिस्टम है हमारा जो हम लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये हम लोगों का यूएसए बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है जिसको जीपीएस बोलते हैं। जीपीएस एक्चुअली में ये सिर्फ यूएसए का ग्लोबल पोजिशन सिस्टम है, इसको नाउ स्टार ग्लोबल पोजिशन सिस्टम बोलते हैं। लेकिन इंडिया का, रसिया का, फिर उसके बाद यूरोपियन कंट्री ने, चाइना ने, अभी 4-5 लोगों के पास खुद का अपना जीपीएस है, लेकिन उसका नाम अलग है। लेकिन अगर कोई बोलता है जीपीएस तो जीपीएस क्या हम लोग समझते हैं कि ये सिर्फ ये जीपीएस, लेकिन ये यूएसए का सिस्टम है जो जीपीएस हम लोग अपने मोबाइल में रखते हैं, क्योंकि अभी उन्हीं का हम लोगों को मिला है एक्सेस। तो अभी इंडिया का इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है और उसका कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं उसके कवरेज की वजह से, तो अभी हम लोग सिर्फ यूएसए बेस्ड सेटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि फिर ये कुछ कुछ सेटेलाइट्स आए, फिर उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। लेकिन जैसे इंडिया जीपीएस में बताया आप लोगों को कि ये रसिया है, क्या नाम, यूएसए बेस्ड नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है। फिर इसके साथ साथ ही रसिया ने अपना ग्लो नव स्टार जिसको ग्लोनास बोलते हैं, यूरोपियन कंट्री ने अपना गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम बताया, इंडिया ने रीजनल जो इंडिया का जीपीएस सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, चाइना अपना चाइना का होता है कंपास नेविगेशन सिस्टम। तो ये सब सारे अपने अपने जीपीएस सिस्टम ऑर्बिट में इंस्टॉल किए। उसके बाद अब जैसे जीपीएस ही एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड कवरेज करता है। मेरी आवाज आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर ज्यादा फास्ट हो रहा हो तो आप बता दीजिएगा जहां पे भी आप लोगों को कुछ अगर लगे कि, क्योंकि मुझे भी धीरे धीरे एक्सपीरियंस से इस सीखने को मिलेगा कि कैसे लेक्चर देना है। ठीक है, आप लोगों नहीं, को बहुत समझ में आ बढ़िया रहा हो है जो रहा है सर, बताएगा? ठीक, कंटिन्यू करो, बहुत अच्छा हो रहा। धन्यवाद। तो इस तरह से इंडिया के अलावा जो चार और भी लोग थे, मतलब यूएसए के अलावा और भी चार कंट्री थी जो कंटिन्यूअस इस पोजिशन सिस्टम में लगे हुए थे, तो उन्होंने अपना सक्सेस मतलब सेटेलाइट ऑर्बिट में पहुंचाया। लेकिन हम इसमें मैक्सिमम बात करेंगे जीपीएस सिस्टम ऑफ यूएसए, क्योंकि अभी हम लोग वही अवेलेबल है और वही यूज करते हैं, बाकी लोगों का रिस्ट्रिक्शन संसार है। तो अब जैसे रसिया का है, उनका भी एक प्रॉब्लम ये है कि उनका जो है जो क्या बोलते हैं आपका कवरेज, ये सब सारे कवरेज के ऊपर मतलब अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे इंडिया का है, इंडिया का क्या करते हैं, इंडिया का सिर्फ आप लोकेशन बताएगा और इंडिया के 2000 मतलब एरिया के स्क्वायर किलोमीटर एरिया का आपको, अगर आप अपना इंडिया का जीपीएस यूज कर रहे हैं सिर्फ उतना ही यूज कर सकते हैं।
उसके ऊपर बाहर की कंडीशंस को आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। अगर उसके बाहर आपका क्या नाम लोकेशन है तो उसको आप नहीं देख सकते। तो इस तरह से सारे सिस्टम का अपना अपना ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक नहीं बोल सकते हैं अभी, मतलब जस्ट शुरुआत है इंडिया, क्योंकि बहुत बाद में शुरुआत किया है, लगभग 2000 के बाद शुरुआत किया है, तो इसके वजह से ये। लेकिन इन फ्यूचर इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, इसके वजह से बहुत इस पे इतना ज्यादा, क्योंकि जैसे इसमें यूएसए ने जो इंस्टॉल किया है अपना, यूएसए के पास 24 सेटेलाइट सिस्टम है। 24 अगर आपको किसी भी लोकेशन पे आपको 3D पॉइंट्स चाहिए तो आपको मिनिमम 24 सेटेलाइट्स ऑर्बिट में इंस्टॉल करने पड़े, ठीक है। तो 24 ऑर्बिट्स क्या होता है, ऑर्बिट्स एक्चुअली में आपने उनको यहाँ पे वो नहीं है, अगर आप लोग को शुरुआत में देखें क्या कहते हैं, जैसे देखिए ऑर्बिट, ये ऑर्बिट जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अर्थ का इमेज दिख रहा है, यहाँ से आप लोगों को ये सेटेलाइट दिख रहा होगा, जो क्या नाम है सेटेलाइट, ये ऑर्बिटल प्लेन होता है, जहां जहाँ इसमें 6 ऑर्बिटल प्लेन्स होंगे, 24 सेटेलाइट्स 6 ऑर्बिटल प्लेन्स पे इंस्टॉल करते हैं। 6 पे ही क्यों करते हैं, 6 पे इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो कवरेज होता है, हर सेटेलाइट्स का अपना एक दायरा होता है कि जहां से उसको कवर कर सकता है, तो इसीलिए आपको मिनिमम 6 ऑर्बिटल प्लेन चाहिए और 24 सेटेलाइट चाहिए पूरे अर्थ को 24 और कवर करने के लिए हर एक पॉइंट्स पे। और ये जो ऑर्बिटल क्या नाम है, जो ऑर्बिट्स होते हैं ये एक दूसरे के 60 डिग्री इंक्लाइंड मतलब स्पेसिंग पे होते हैं, ठीक है। ये आप लोग दिख रहा है आपको फ्रंट जो इमेज दिख रहा है, ये जो ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स में अगर काउंट करेंगे आप तो एक ऑर्बिट्स पे 6 ऑर्बिट्स होने चाहिए और मैक्सिमम मतलब मिनिमम आपको 24 सेटेलाइट होने चाहिए। अगर किसी के पास पैसा है किसी कंट्री के पास, तो वो 6 से ज्यादा भी इंस्टॉल कर सकती है अपना सेफ रखने के लिए, कि मान लीजिए अगर कहीं कोई डैमेज हुआ तो फिर तीसरा मतलब उसके आगे फंक्शन शुरू कर सके। जैसे मान लीजिए 24 के अलावा कोई, अगर 24 मिनट का कोई डैमेज हो गया तो अगर आपके पास स्पेयर होंगे 25वां, तभी आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कुछ हो सकता है, कुछ पोर्शन का आपके कुछ पोर्शन का आपको कनेक्टिविटी कट जाए, आपको पोजिशन ना मिल पाए। इसलिए किसी भी सिस्टम का आपको पॉइंट पाने के लिए ये ध्यान रखिएगा, 6 ऑर्बिटल प्लेन होना चाहिए, उस पर 24 सेटेलाइट होनी चाहिए। और ये जो ऑर्बिट हैं ये इक्वेटर से अपने जो अर्थ का इक्वेटर है उस पे 20 इस पे 55 डिग्री इंक्लाइंड होते हैं, जो इक्वेटर होता है अपना, इक्वेटर के लाइन से वो हर क्या नाम है ऑर्बिट्स 45 डिग्री इंक्लाइन होता है, जिससे एक्यूरेसी हमें परफेक्ट मिली। अब ये जीपीएस वर्क कैसे करता है हम लोगों का, जैसे ये मतलब कुछ इस पे क्या होते हैं, ये तो हमने बता ही दिया, यूएसए बेस्ड मैक्सिमम हमारा सेटेलाइट होते हैं 24 सेटेलाइट होने चाहिए, ये सब सारे इसके हो गए। इसमें एक इसमें से जो सबसे बड़ा क्या नाम है ड्रॉबैक था पहले 1992 के पहले, ये मिलिट्री पर्पज के लिए यूएसए ने सिर्फ मिलिट्री पर्पज के लिए यूज में रखा था, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से इन्होंने फिर क्या नाम है पब्लिक के लिए, पब्लिक डोमेन के लिए ओपन कर दिया 1992 के बाद। अभी प्रेजेंट टाइम में सब लोग यूज कर सकते हैं इस सेटेलाइट्स का। अब ये सेटेलाइट्स के जो सेगमेंट्स हैं, अब ये सेटेलाइट, ये तो हमारा हिस्ट्री हो गई कि जो जीपीएस होता है यूएसए बेस्ड होता है, लेकिन अभी हम इंडिया रशिया चाइना और जो यूरोपियन कंट्री है इन लोगों का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। अब इसके सेगमेंट्स क्या क्या होते हैं, जीपीएस हम लोग देख लिए, जीपीएस आप लोग देखे होंगे सबके मोबाइल में, सबके मोबाइल में जो भी प्रेजेंट टाइम में जीपीएस है सबके मोबाइल में जीपीएस लगा हुआ है, चाहे कार ले लीजिए गाड़ी ले लीजिए, आजकल बहुत यूज टू हो गया जीपीएस, ठीक है। तो वो काम कैसे करता है, आपको ये चीज थोड़ी सी मैं बताना चाह रहा हूँ कि काम कैसे करता है। इसमें 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक तो हो गया आपका जो आपके पास मोबाइल है उसमें जो जीपीएस लगा हुआ है उसको हमेशा यूजर सेगमेंट बोलते हैं, मतलब जो आप लोग यूज कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं उसको यूजर सेगमेंट बोलते हैं, एक कंपोनेंट चाहे मोबाइल हो गया, बाइक हो गया, या आपके कार में हो गया, या ट्रेन आजकल मूवमेंट हो रहा है, बसों में, हर जगह ये जीपीएस ट्रैकर सिस्टम लगा लिए, जीपीएस वो रिसीविंग का काम है। दूसरा सेगमेंट हो गया स्पेस, स्पेस मतलब हो गया जो सेटेलाइट आपका है, जो सेटेलाइट 24 सेटेलाइट्स हैं वो आपके स्पेस सेगमेंट से हो गया। तीसरा क्या नाम है कंपोनेंट हो गया, सेगमेंट या कंपोनेंट हो गया स्टेशन, स्टेशन में आपके 3 तरह के मेन, 2 तरह के स्टेशन होते हैं, एक होता है आपका मास्टर स्टेशन और दूसरा होता है मॉनिटरिंग स्टेशन, और तीसरा ग्राउंड एंटीना होता है, वो आपको कुछ उसके अलग फंक्शन होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मास्टर स्टेशन ये तीनों, ये मतलब चारों चीजें क्या मिला के करती हैं, एक दूसरे को अपने आप को कम्युनिकेट करते रहते हैं, कम्युनिकेट करने के बाद फिर आपको जो पोजिशन मिलता है इन सबके फंक्शन के बेसिस पे आपको फिर आप किस जगह पे अभी
2 बजे आप कहाँ पे थे, 4 बजे कहाँ पे गए, तो सब सारे ट्रैकिंग सिस्टम इससे लाइव आपका चलता रहता है। भले अपना सिस्टम ऑफ कर दीजिए लेकिन आपका ट्रैकिंग ऑन रहता है। तो ये चीजें कैसे काम करती हैं, तो जैसे देखिए, अगर सबसे पहले क्या करता है, जो सेटेलाइट्स हमारे हैं, सेटेलाइट्स क्या करेंगे, जो इसमें आपको इमेज में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है नहीं आपको स्लाइड में, जो स्पेस सेगमेंट्स है ये क्या करेगा, अपना सिग्नल्स, ये जो सिग्नल्स आपको देख रहे हैं ब्लू ये कलर में, ये सिग्नल क्या करेगा, ये आपको मॉनिटरिंग स्टेशन को भेजेगा। यही सिग्नल फिर क्या करेगा, ये यूजर सेगमेंट्स को भेजेगा। यही सिग्नल क्या करेगा, ये मास्टर स्टेशन को भेजेगा। लेकिन सिग्नल आपको दिखेगा सेम, लेकिन उनका पर्पस, उनमें जो क्या नाम है इंफॉर्मेशन होता है वो अलग अलग है। सबसे पहले जो क्या नाम है आपका, ये मॉनिटरिंग स्टेशन क्या करता है, जो सेटेलाइट से सिग्नल निकल के आता है, सिग्नल हमेशा 2 तरह के होते हैं, जो भी सिस्टम से जीपीएस जो वर्क करता है वो 2 तरह के सेटेलाइट सिग्नल का नाम सिग्नल पे वर्क करता है। एक होता है आपका इफेमेरिक सिग्नल और दूसरा होता है अल्मनाक सिग्नल। अल्मनाक में अभी सिग्नल्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इनका पहले आपको वो देख लीजिए कि कैसे कैसे वर्क करते हैं। जो कंट्रोल सेगमेंट्स होता है आपका, जो ग्राउंड एंटीना, मतलब ये जो 5 ग्राउंड एंटीना हो गया, एक मास्टर हो गया, एक सेगमेंट्स हो गया, तो इसमें सबसे पहले जो सेटेलाइट से सिग्नल आ गई मॉनिटरिंग स्टेशन पे, मॉनिटरिंग स्टेशन क्या करता है कि जो सेटेलाइट उसके ऊपर आता है, ये आप एक देखिएगा जो यहाँ पे क्या नाम, जो स्क्रीन पे दिखा रहा है मॉनिटरिंग स्टेशन, ये जो मैं माउस से दिखा रहा हूँ, ये 4 तरह इक्वेटर पे, जो अर्थ का इक्वेटर है उस 4 जगह पे ये इंस्टॉल है, ठीक है, ये 4 जगह इंस्टॉल है। अगर आप गूगल करेंगे तो ये आपको पा जाएंगे लोकेशन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये इक्वेटर पे 4 जगह पूरे वर्ल्ड में ये 4 इक्वेटर पे इंस्टॉल्ड है। इनका काम क्या होता है मॉनिटरिंग स्टेशन का, जैसे ही सेटेलाइट इसके ऊपर से गुजरता है, हर एवरी 1.5 सेकेंड में ये क्या बोलता है, सिग्नल सेटेलाइट से ले लेता है। सेटेलाइट से इसके पास सिग्नल आ गया, मॉनिटरिंग 4 मॉनिटरिंग स्टेशन है, किसी न किसी के ऊपर से ये सेटेलाइट जो भी गुजरेगा उसको हर एवरी 1.5 सेकेंड, सोच लीजिए कितना काम है, 1.5 सेकेंड में आपको ये मॉनिटरिंग स्टेशन सिग्नल लेगा, सिग्नल लेने के बाद इसने क्या करेगा, ये मास्टर स्टेशन को भेजेगा, ठीक है। अब इसमें सिग्नल क्या होता है, मॉनिटर क्या नाम है, सिग्नल क्या क्या होता है, सिग्नल इसमें जिस समय अभी बताया था आप लोगों को, एक इफेमेरिस होता है, दूसरा अल्मनाक होता है। तो क्या नाम है, अल्मनाक में क्या होता है, अल्मनाक में सिर्फ डिस्टेंस, जो सेटेलाइट का डिस्टेंस क्या है सेटेलाइट से, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इफेमेरिस में क्या होता है कि सेटेलाइट हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सेटेलाइट का हेल्थ कैसा है, सेटेलाइट का टाइमिंग क्या हो रही है, सेटेलाइट मूवमेंट की उसको जरूरत है या नहीं है, तो ये सारी चीजें 2 तरह के डेटा में होगा। एक में आपको डिस्टेंस बताएगा, पोजीशन मतलब सेटेलाइट का पोजीशन क्या है, दूसरा बताएगा सेटेलाइट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सेटेलाइट की टाइमिंग क्या है, सेटेलाइट मूवमेंट ले रहे उसको अगर शिफ्टिंग की जरूरत है तो क्या शिफ्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये 2 तरह के सिग्नल्स में होते हैं। तो अब मॉनिटरिंग स्टेशन से जो डेटा मिला, मॉनिटरिंग स्टेशन ने सेटेलाइट से डेटा ले लिया, ये डेटा लेके फिर हमारा मास्टर स्टेशन पे भेज दिया। मास्टर स्टेशन क्या करेगा इन सब सारी चीजों को, मास्टर स्टेशन का 2 काम है, एक तो सेटेलाइट से भी सिग्नल लेगा सेम टाइम में, और सेम टाइम में मॉनिटरिंग स्टेशन से भी लेगा। तो इसने क्या क्या करेगा कि देखेगा कि इसका जो भी कंडीशन है, क्या अगर इन दोनों में रिसीविंग में इसका ओवरऑल ओवरव्यू करेगा, ओवरव्यू करने के बाद ये देखेगा कि हाँ आपका जो सेटेलाइट के दौरान ये सिग्नल आए हैं वो हमारे सही है नहीं है, टाइमिंग सही है कि नहीं सही है। अब वो कैसे पता चलेगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि मास्टर स्टेशन को कैसे पता चलेगा, ये तो सिर्फ सिग्नल आ रहा है इधर सिग्नल जा रहा है, कैसे पता चलेगा कि हमें सेटेलाइट हमारा सही है नहीं, पोजिशनिंग शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है कि नहीं, उसके लिए एक अलग, ये सब सारे आपस में जैसे हम लोग बोल रहे हैं उसी तरह से वो लोग कोड जनरेट करते हैं, उस कोड को आइडेंटिफाई करके वो अपने आप को मूवमेंट को ये सब सारी चीजें बताते हैं। फिर यहाँ से जो सिग्नल है अगर सब कुछ सही है तो ये क्या करेगा, मास्टर स्टेशन फिर इसको भेजेगा स्पेस स्टेशन को, फिर यहाँ से जितने नंबर ऑफ आपको सेटेलाइट हैं फिर ये नंबर सिग्नल फिर यहाँ पे आपको यूजर सेगमेंट्स तक पहुँचता है, जो हम लोगों को एग्जैक्ट, इसीलिए हम लोगों को अभी देखते जाएंगे, मतलब धीरे धीरे हम लोगों की एक्यूरेसी इतनी हो गई है कि अगर आप जहाँ पे बैठे हैं अगर GPS ऑन करेंगे तो हो सकता है आपको इस सब मीटर में एक्यूरेसी मिल जाए, एग्जैक्ट मतलब आप जहाँ बैठे हैं वहां तक मिल जाए, इस लेवल तक की एक्यूरेसी आ गई है GPS में। ये आपके सारे सेगमेंट्स हो गए, ये जो मैं बात कर रहा था आपको सिग्नल के बारे में, जैसे 2 तरह के आपको सिग्नल्स होते हैं, एक इफेमेरिस होता है दूसरा अल्मनाक होता है, इन दोनों में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि टाइमिंग हेल्थ और क्या होता है और इसमें पोजिशनिंग क्या होती है। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे अभी मैं बता रहा है ना कि आपको क्या करते हैं, ये दूसरे एक दूसरे से ट्रैंगुलेट करते रहते, मॉनिटरिंग स्टेशन सेटेलाइट से इंफॉर्मेशन लिया,
मास्टर स्टेशन को दिया, मास्टर स्टेशन क्या करेगा सेटेलाइट को दिया, फिर सेटेलाइट क्या करेगा ग्राउंड एंटीना से वेरीफाई करेगा, तो एक दूसरे से ये सारे कनेक्टेड होते हैं। अगर रिपोजिशनिंग की उनको जरूरत होती है, रिपोजिशनिंग की जरूरत होती है, तो वो अपने आप में ही क्या नाम जो सेटेलाइट होता है उसको उस पोजिशन पे एक्यूरेट, अगर मूवमेंट की अगर शिफ्टिंग अगर बढ़ाने की जरूरत होती बढ़ा देते हैं, स्पीड कम करने की जरूरत होती कम कर देते हैं। तो इस तरह से जो हम लोगों को पोजिशन मिलता है वो एक्यूरेट मिलता रहता है। अब ये डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, जैसे अब ये जानते होंगे जो सिग्नल्स होता है, जो सिग्नल्स निकलते हैं सेटेलाइट से या कहीं भी रिसीवर से या मॉनिटरिंग स्टेशन से, तो उनमें क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्टेड होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट का होता है वही स्पीड इस सिग्नल का होता है। तो अगर मान लीजिए हमारा ये जैसे इसमें आप लोग देख रहे हैं कि क्या नाम है, कोई भी सिग्नल हमारा जनरेट हुआ एक पोजिशन से, अगर जो सेटेलाइट जनरेट किया वही हमें मॉनिटरिंग स्टेशन में मिला, वही हमें क्या नाम है हमारे रिसीवर में मिला, वो कैसे पता करेंगे। जैसे मान लीजिए ये अगर आप कर्सर देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरह का कोड जनरेट करते हैं एक दूसरे से, ये कोड हमें नहीं समझ में आएंगे लेकिन उनको एक दूसरे को ये समझ में आते हैं, सेटेलाइट्स को रिसीवर्स को भी और मॉनिटरिंग स्टेशन को, तो ये देखते हैं कि हमारा सेटेलाइट इस पॉइंट पे सिग्नल भेजा, उसी समय रिसीवर में सेम कोड जनरेट हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से चले हुए जो हमारा सिग्नल्स है वो सिग्नल्स को रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम डिफरेंस लगा, ये टाइम डिफरेंस हम लोगों को वो मेजर करके बता देता है, वही टाइम डिफरेंस हम लोगों का डिस्टेंस कितना आपका मूवमेंट होता है, उस बेसिस पे सारी चीजें इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती रहती है। आप लोगों को समझ में आया, कोई बताएगा? थोड़ा बीच में अपना फीडबैक दीजिए, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि कुछ मतलब अगर आप समझ में आया तो बताएं ये कैसे डिस्टेंस को कैसे ये मूवमेंट मेजर करता है। जैसे मान लीजिए इस पिक्चर में दिखा रहा है ना कि जैसे मान लीजिए सेटेलाइट से हमारा कोई सिग्नल चालू हुआ, टी सेकंड में अगर सिग्नल हमारा वहां से छूटा तो सेम क्या करेगा जो हमारा रिसीवर होगा उसको पहचान जाएगा कि अच्छा टी सेकंड में वहां पे जो कोड जनरेट हुआ था सेटेलाइट में वही हमारे रिसीवर में जनरेट होगा सेम टाइम में। अब उसके बाद यहाँ से सिग्नल जो सेटेलाइट सिग्नल है उसको रिसीवर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या करेगा जो कोड होगा जो हमारा टी टाइम में एक सेम में जनरेट हुआ था उसके बाद कितना प्लस कितने टाइम में आया स्पीड ऑफ लाइट से, तो वो हमारा जितना नंबर ऑफ टाइम्स आएंगे तो वो हमारा हो जाएगा उतने डिस्टेंस हमारे स्पीड ऑफ लाइट से आप चीजें दूर हैं या उस पोजिशन पे, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा इस स्यूडोनॉमस नॉइज कोड से, कि मतलब सेम कोड दोनों जगह जनरेट होते हैं तो उसके बीच में डिफरेंसेस जो आएंगे वो डिफरेंसेस के बेसिस पे वो चीजें बताते रहे। अब हमें ये कैसे अब जैसे नंबर ऑफ आप बोल रहे थे ना 24 सेटेलाइट्स, जैसे कोई बोले कि आप 24 सेटेलाइट्स बोल रहे थे, तो 24 सेटेलाइट्स क्या एक जगह तो होंगे नहीं, 6 ऑर्बिटल प्लेन पे हैं, तो अगर 6 ऑर्बिटल प्लेन पे हैं तो ये सेटेलाइट्स हमें कैसे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो अगर आप रिसीवर देखेंगे जो अपने पास होते हैं उनमें हमें किसी भी पॉइंट पे अगर आपको एक्यूरेट डिस्टेंस चाहिए, एक्यूरेट आपकी पोजीशन चाहिए, तो मिनिमम आपको 4 सेटेलाइट्स चाहिए होंगे, 3 में आपको कुछ पॉइंट्स डाउट्स होंगे लेकिन 4 में आपको 3D कंडीशंस आपको पूरा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगर मान लीजिए एक सेटेलाइट रहे तो आपका कंडीशंस क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक ही सेटेलाइट है तो एक सेटेलाइट में क्या बोलेगा, आप जैसे आपका जो GPS रहेगा वो दिखाएगा कि आप कहीं भी इस पूरे अर्थ के जो भी अर्थ है वहां पे आपको कहीं भी वो रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलता वो जहाँ पे भी आप एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं देगा, क्योंकि जो भी स्वाथ बनेगा उसका उस स्वाथ पे आप कहीं पे भी आप हो सकते हैं, वो देगा इरर, वही इरर होता है कि वो जो स्वाथ बनाएगा उस स्वाथ पे आपका पॉइंट्स शो करेगा। फिर अगर दो मान लीजिए फिर दो आ गए, दो सेटेलाइट्स आ गए, अगर आपका रिसीवर है दो सेटेलाइट आ गया तो फिर क्या होगा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, वो क्या एक्यूरेसी बढ़ जाएगी उस कंडीशन में क्या होगा जो दोनों सेटेलाइट्स का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, जो दोनों सेटेलाइट्स का ओवरलैपिंग होगा उस ओवरलैपिंग में किसी एक पॉइंट पे आप किसी इस पूरे जो आपको दिख रहा है डार्क सर्कल दिख रहा है दो सेटेलाइट्स के बीच में, आप दो सेटेलाइट्स अगर आपका रिसीवर डिटेक्ट कर रहा है तो मतलब है कि आप इस कहीं इस पूरे कहीं ब्लैक स्पॉट जो है वहां पे कहीं पे आपका लोकेशन है, तो इसलिए इस लोकेशंस को फिर बहुत ये हो सकता है कि 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर तक भी हो सकता है।
फिर जब अगर आप तीसरा सेटेलाइट आया, तीसरा सेटेलाइट का क्या करेगा स्वाप, जो तीसरा सेटेलाइट का तीसरे सेटेलाइट में तीसरे इमेज में देखेंगे आप, तो क्या करेगा कि आप इस पूरे ब्लैक को दो डॉट ब्लैक में कन्वर्ट कर दिए, मतलब आप अर्थ के इस दो जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं, आप वहां पे कहीं दो लोकेशन से आपका जीपीएस, आप जो रिसीवर आपका अगर लोकेशन जानना कुछ आ रहा है इस कंडीशन में, तो आप कहीं पे दो जगह हो सकते हैं। इसीलिए जब चौथा सेटेलाइट आता है, जब ये चौथा सेटेलाइट आएगा जैसे ये इमेज में दिखा रहा है, जब चौथा सेटेलाइट आ जाएगा तो ये आपका कंफर्म हो जाता है कि आप अर्थ के किस साइड हैं और किस पॉइंट्स पे। इसीलिए जीपीएस तभी काम करता है जब आपका सबसे ज्यादा एक्यूरेसी तभी होती है जब आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स आपके रिसीवर में चार या चार से ज्यादा, ठीक है। जैसे ये आपको एक इस इमेज में दिख जा रहा है कि मतलब आपके पास चार है तो चारों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके आपका एग्जैक्ट जो लोकेशन होगा उसको फिक्स करके आपको बता देंगे। अब रही बात की जैसे ये हो सकता है कि ठीक है हमें ये चार लोकेशंस मिल गए, हम हो सकते हैं हमारे पास चार सेटेलाइट्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है ऐसे रीजन हो सकते हैं कि चार सेटेलाइट्स मिलने के बाद भी हमें इरर हमारे जो क्या नाम लोकेशंस है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, हो सकता है कि 100 मीटर 50 मीटर 200 मीटर क्या नाम है इरर आ सकता है, तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं। इवन दो चार सेटेलाइट्स अगर हमारे पास आ रही है तो उसके कुछ रीजन हो सकते हैं किस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इरर आने के चांसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए जो आपका सिग्नल्स होता है, ये आप जानते हैं ये सब वेव्स होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं ये अगर आपके जैसे एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर में आयनिंग इंटरफेरेंस हो तो उसकी वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या क्लाउड हो तो उसकी वजह से पेनिट्रेशन की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और प्लस अगर जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि ठीक है हम ये हमारी गाड़ी यहाँ पे दिख रही है, गाड़ी में हमारा रिसीविंग दिखा रहा है चार सेटेलाइट्स का, लेकिन फिर भी इरर दिखा रहा है, तो उसका रीजन क्या हो सकता है जो हम रिसीव कर रहे हैं सिग्नल। मान लीजिए हमारे सेम सेटेलाइट से हो सकता है कि जैसे ये स्ट्रक्चर जैसे आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग से टकराई, बिल्डिंग से टकराने के बाद हम आप कहीं क्या नाम है जो रिसीवर आपका उसके पास आया, तो जो ट्रेवलिंग टाइम होगा उसमें जो वेरिएशन होंगे आप सोच सकते हैं कि 186,000 बाई पर सेकेंड स्पीड है लाइट की, तो इस कंडीशन में अगर आपका माइक्रो सेकेंड भी डिले हुआ रिसीविंग में तो आपका एरर बहुत ज्यादा होगा। तो इसके वजह से अगर जो सिग्नल सेम टाइम में सेटेलाइट आपके पास जनरेट किया और वही आपके पास रिसीवर के पास भी है, लेकिन अगर किसी कारणवश ये सब जो भी इरर्स के कॉजेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जो वायर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर है या घर है रिफ्लेक्शन है या कहीं स्टील वो है जिससे रिफ्लेक्शन ज्यादा होते हैं, तो वहां से अगर आपका रिफ्लेक्ट होके अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो उसके वजह से भी आपका इरर आ सकता है, लेकिन आपका मतलब चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये सब कॉजेज हो सकते हैं आपको इरर आने के, से कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, ये सब आयनोस्फीयर हो गया, ठीक है, ये सब तो हाँ। अब इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, अगर हमें बेस्ड ऑन आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे वो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपको किस कंडीशंस में चाहिए होते हैं, जैसे यहाँ पे एक दिखा रहा है मल्टीपाथ, हो सकता है कि सेम सैटेलाइट से दो रिसीव आपको दो सिग्नल्स मिल रहे हो, ये जो आपका तीसरा शो कर रहा है वो कट हो जाए, मतलब तो इसके वजह से आपको इरर आ सकते हैं, ठीक है, तो ये सब इसके रीजन हो सकते हैं आपको इरर मिलने के लिए। लेकिन इनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इनको करेक्ट करने के लिए हमारा क्या नाम है, या तो आप ड्यूअल फ्रीक्वेंसी एक रिसीवर होता है वो काफी कॉस्टली होता है, इसमें 1 लाख के या 1.5 लाख के करीब आसपास मिलेगा, अगर आपको आपके एप्लीकेशन के ऊपर होता है कि आपको किस तरह का वो मिलिट्री पर्पज के लिए जनरली लोग ज्यादा यूज करते हैं ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस रिसीवर, लेकिन अगर हम लोग ये फोन में देखते हैं तो ये जनरली ये जस्ट जो हम लोग का सिंपल वाला है यही हम लोग यूज करते हैं और इससे हम लोगों का काम हो जाता है, क्योंकि हम लोग प्लेन में रहते हैं, अगर ये एंडुलेशन एरिया है तो उसमें उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ एक रीजन और हो सकता है कि इवन तो हम लोग चार सेटेलाइट मिल रहा है, उसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो TGOP मतलब ज्योमेट्रिक डायल्यूशन ऑफ प्रिसीजन, मतलब सेटेलाइट आपके चार हो रहे हैं लेकिन उनका जो स्पेस में फैलाव है आपको किस ऑर्बिट से आ रहे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक डायल्यूशन क्या क्या है, ये फर्स्ट इमेज में आप देखेंगे कि चारों सेटेलाइट आपके बहुत पास पास, इवन दो आप चार के आपको लोके मतलब रिसीविंग हो रहा है लेकिन इन चारों का बहुत पास है,
तो इसके वजह से इसमें भी कुछ इरर ऐसे कंडीशंस हैं, चार इवन दो चार सेटेलाइट्स आपको रिसीव कर रहे हैं तब भी आपका इरर आने की चांसेस है। अगर आपके पास इस तरह का जो सेकंड इमेज में आप लोग दिख रहे होंगे स्लाइड में, सेकंड इमेज में इसमें चारों सेटेलाइट्स एक दूसरे के बहुत ही अच्छे से स्कैटर्ड है, तो चारों का क्या होगा जो डायलेशन ऑफ प्रिसीजन होगा कम होगा, इसके वजह से इरर चांसेस बहुत कम होंगे। और बाकी ये विजिबिलिटी आपकी अगर बैड है तो उस कंडीशन में ठीक है। अब इसको एक्यूरेसी कैसे मेजर, अगर मान लीजिए आपके पास प्रॉब्लम है, जैसे अगर हम प्लेन में हैं तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कहीं फॉरेस्ट में गए या कहीं हिमालयन रीजन में अगर कहीं गए तो ऐसे कंडीशंस में अगर आपके पास प्रॉब्लम्स है तो उसको सॉल्यूशंस क्या होता है, इसके लिए एक हमारा एक यूनिट सब यूनिट कहलाता है जीपीएस, के साथ साथ हमारा डिफरेंशियल जीपीएस सिस्टम एक ग्राउंड एंटीना की तरह काम करता है। वो हम लोग यहाँ एक था, यहाँ पे पता नहीं है एक जीपीएस सिस्टम यहाँ था। तो डीजीपीएस सिस्टम क्या करता है, अगर मान लीजिए फील्ड सर्वे करने गए, अगर आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं मिल रही है या आपका रिसीविंग बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे फॉरेस्ट एरिया है या इस तरह का कुछ एंडुकेशन है, तो उस कंडीशन में आप अपना खुद ही एक ग्राउंड एंटीना लेके चलिए, जिससे आपका जो इरर होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल जीपीएस सिस्टम। वो क्या करेगा, आपका ये खुद ही एक एज ए मतलब लोकल एंटीना की तरह ग्राउंड स्टेशन की तरह काम करेगा, वो आपके रिसीवर से भी वेरीफाई करेगा, उसको एक जगह आप कहीं फिक्स कर देंगे जो भी आपके नियरेस्ट पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आप मेजरमेंट ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा आपको जो भी इरर होगा उसको रेक्टिफाई करता रहेगा, सेटेलाइट से लेगा, सेटेलाइट के बाद रिसीवर के पास आएगा, वो फिर उसके आपस में कोऑर्डिनेट करके वो आपका जो भी इरर होगा उसको मिनिमाइज कर देगा। उसका एक ही काम होता है डिफरेंशियल जीपीएस का, आपकी एक्यूरेसी बढ़ा देगा, आपके इरर को मिनिमाइज कर देगा। ठीक है, ये कुछ तरह ये उस एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इसलिए कुछ तरह के आपके पास अगर मान लीजिए डिफरेंशियल जीपीएस नहीं है उसके बाद क्या कर सकते हैं, तो जैसे अगर आपको बहुत मतलब एक्यूरेट नहीं चाहिए काम, तो उसके कंडीशन जैसे 15 मीटर तक का इरर है, उस कंडीशन में जैसे एक कोर्स एक्विजिशन रिसीवर होता है आपको 1 से 5 मीटर तक का या 15 मीटर तक का इसका कुछ इस तरह का दे सकता है। कैरियर अगर फेज रिसीवर है तो इसकी एक्यूरेसी 10 से 30 10 से 30 सेंटीमीटर तक आपको मिल सकता है। अगर उससे भी सब सेंटीमीटर में चाहिए तो आपको डुअल फ्रीक्वेंसी जो अभी मैं बता रहा था आपको रिसीवर, इसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो मतलब जैसे जैसे आपको कॉस्ट बढ़ाएंगे उस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी इसमें मिलती जाएगी जीपीएस में। अब जीपीएस का एप्लीकेशन क्या क्या है, हमें लगता है ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि आप कहीं भी जा रहे हैं, जहाँ पे भी आपको किसी लोकेशन पे जाना है, कहीं पे भी जाना है, आज का इसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है नेविगेशन सिस्टम में। आपको एक लोकेशन से जाना है दूसरे जगह, आराम से अपना जस्ट सेट करिए, आपको जहाँ भी जाना है एक्यूरेसी आज बहुत अच्छी है वो बता सकता है। आजकल तो ये भी हो गया कि आपको किस रास्ते में जाम मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ तक का जीपीएस आपको सारे लोकेशन को पिकअप करके बता दे रहा है। बाकी मैपिंग में सबसे ज्यादा जो अगर हम लोग जैसे NRM के फील्ड से हैं, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो हम लोगों को सबसे ज्यादा इसमें जो एक ही जरूरत पड़ती है वो मैपिंग की। तो अगर हम लाइन पॉइंट पॉलीगन जैसे GIS का जो प्लेटफॉर्म पे हम जो भी काम करेंगे, तो GIS के प्लेटफॉर्म पे GIS तो एक हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को हमें डेटा कहाँ से मिलेगा, वो इससे रिमोट सेंसिंग और GIS से मिलेगा, इससे GPS से मिलेगा। अगर हमें कोई पॉइंट क्रिएट करना है तो GPS का पॉइंट्स ले लीजिए, कोई लाइन क्रिएट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइन क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको डेटा प्रोवाइड मतलब डेटा जनरेट करने का एक एप्लीकेशन मतलब ये मैथड है GPS। बाकी इसका डेटा लेकर के आपको जो भी प्रोसेस करना है, मैपिंग करना है, वो सब आप कर सकते हैं। बाकी ट्रैकिंग का तो आप देख ही लिए, आजकल साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा इसका यूज हो रहा है ट्रैकिंग में, एयरबेस आइडेंटिफाई करने के लिए, जो पोजीशन का सबसे मतलब इसमें हर फ्लाइट का कंडीशन बता देते हैं, पोजिशन बता देंगे, डिस्टेंस बता देते हैं, एयर अलर्टिंग में यूज हो रहा है, सर्च ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, मैराइन इन सब में यूज हो रहा है, ऑटोमोबाइल, रेलवे, हाईवे, ये सब देख सकते हैं आपके एविएशन में, मैराइंस में। आजकल इन सब मछलियों को मतलब कहाँ पे ट्रैक करना है कि मछलियों का जैसे समुद्र में आजकल आपका कुछ जैसे यहाँ पे ICR के इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग क्या करना है कि जैसे आइडेंटिफाई करने का जो हॉट स्पॉट है वो लोग आप ऑलरेडी क्या नाम है गवर्नमेंट ने शेयर कर दे रहा है लोगों को मोबाइल, लोकल जो क्या नाम है मछुआरे हैं उनके मोबाइल पे शेयर कर दे रहे हैं कि अच्छा इस लोकेशन पे आप जाके क्या नाम है फिश हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों में ये सब अभी काफ़ी हद तक GPS का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो गया है मतलब डे टू डे लाइफ में, इवन दो काफ़ी जैसे मैराइन में हो गया आपको लोकेशन फाइंड आउट करना है,
किस लोकेशन पे किस कंडीशंस में कहाँ पे, या क्या नाम है आपका ये साइक्लोन का मूवमेंट किस किस कंडीशंस में है, कहाँ पे है, इन सब चीजों को इसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से। जैसे यहाँ पे दिया है ऑप्टिमाइजिंग फिश लोकेशन, फिश माइग्रेशन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या करेंगे आपका टाइम बच जाएगा, इफिशियंसी बढ़ जाएगी और आपका अल्टीमेटली जो लेस इनपुट कॉस्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। इमरजेंसी अगर कहीं है तो उस कंडीशन में यूज किया जा सकता है, रिक्रिएशन फन में ये सब यूज बच्चे या हम लोग कोई भी यूज कर सकता है, बिजनेस में आजकल देख ही रहे हैं कि फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, सर्वे में कैसे इसका यूज हो सकता है कि बाकी हर घर का लोकेशन, या अभी जो स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लोकेशन पे क्या कर दिए हैं कि जियो टैगिंग कर दिए हैं, कि जैसे लोग स्ट्रक्चर बनाते थे बना के गायब कर दिए, इमेज में आया ही नहीं लोकेशन, आजकल इससे आप लोकेशन डाल दीजिए तो आप ट्रैकिंग मतलब बहुत ही इजी हो गई है इस जीपीएस सिस्टम से। तो सर्वे, बाकी सर्वे मैपिंग में हम लोगों का मेन रोल होता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट से है कहीं कंस्ट्रक्शन करना है, जस्ट आपको SC ST विलेज में जाना है, डायरेक्टर को दिखाना है कि बस हमको कहाँ इस लोकेशन पे लगाना है, तो आप कोऑर्डिनेट लेके आइए, गूगल अर्थ में जाइए, आप बता सकते हैं कि अच्छा इस लोकेशन पे इसका ये लेंथ है, ये हाइट है, ये भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और प्लस कितना एरिया होगा, ये सब सारी चीज़ें इससे हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। मैपिंग अगर आप लोग ये यहाँ पे होते तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता था कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं कि अगर आप लोगों को मैप करना है कोई एरिया को, अगर किसी डिस्टेंस को, इसके ऑनलाइन बहुत सारे मैप्स हैं, उन मैप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्लस डाउनलोड करके अगर आपको कोई भी एरिया मैप करना है उसमें जस्ट आप वॉक कर लीजिए, 4 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, 5 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए, उसको लेके आइए गूगल अर्थ पे, आप एक्सपोर्ट कर दीजिए, फिर उसमें से आराम से आप जो भी काम करना है आप कर सकते हैं इजीली, इंसान वो आराम से कुछ भी कर सकते हैं। से फील्ड्स का है एक्यूरेसी, इसमें आजकल फार्मर्स के फील्ड से कितना किस लेवल पे किस एरिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरह का क्रॉप कहाँ कहाँ ग्रो किया जा रहा है, ये सब सारी चीजें इसमें मॉनिटरिंग किए जा सकते हैं जीपीएस से। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, जैसे आपको इसका मतलब आपको इस लेवल तक का इसमें आ गया है एप्लीकेशन की आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जो ट्रैक्टर के साथ साथ आजकल जो ये कल्टीवेटर या टैंक्स इस तरह के आ रहे हैं उसमें लोग, यहाँ पे तो अभी नहीं एप्लीकेशन हो रहा है लेकिन अगर फॉरेन में देखेंगे तो लोग क्या किए हैं, इवन तो बीड को आइडेंटिफाई करने के लिए वो सेंसर्स लगा रखे हैं, उसमें पॉइंट्स लगा रखे हैं जीपीएस का कि आपको इस लोकेशन पे अच्छा हमारा रोड टू रोड डिस्टेंस इतनी है, तो इस डिस्टेंस के बाद का अगर कोई भी चीज आएगा तो उसको आप आइडेंटिफाई करके किल कर सकते, तो इस लेवल तक ये मतलब इसका यूज किया जा रहा है प्रोडिक्शन में, तो ये आने वाले टाइम में काफी यूजफुल अभी भी है और आने वाले टाइम में और भी अच्छे तरह से होगा। इसके एडवांटेज क्या क्या होंगे ये मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आप इसको डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए, इसके वेदर का बहुत कम से कम इफेक्ट होता है, आपको किसी भी वेदर में यूज कर सकते हैं, किसी भी कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, कवरेज ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट का है, और प्लस कहीं पे भी नियर बाई कुछ भी आप फाइंड आउट करने के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके इतने एडवांटेज हैं, सब मैक्सिमम तो आप लोग जानते होंगे। डिसएडवांटेज इसके कुछ हैं, डिसएडवांटेज में कुछ कुछ में क्या क्या है, जैसे इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो ये रेड कलर में ये जो हाईलाइट्स दिख रहा है, सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का सिस्टम है, इमरजेंसी कंडीशन में ये कभी भी बंद कर सकता है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, इसीलिए हर मतलब काफी जैसे इंडिया भी इस पे फोकस कर रहा है कि अपना खुद का, अभी इंडिया का जो कंडीशन है वो 8 सेटेलाइट्स ही ऑर्बिट में ऑर्बिटल प्लेन में पहुंचा पाए, क्योंकि इसका कॉस्ट मिलियन में होता है, बिलियन में होता है, इसके वजह से, और इसकी लाइफ भी बहुत ज्यादा नहीं होती, एक सेटेलाइट की ज्यादा 10 से 12 साल या 15 साल मैक्सिमम होता है, तो अगर मान लीजिए अगर आप $4 बिलियन $5 बिलियन लगा है, मतलब 100 मिलियन या कुछ समथिंग ऐसे एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं बताया, लेकिन इतना अमाउंट खर्च करके 4 साल मतलब 10 साल 15 साल के लिए सेटेलाइट से आप सेंड करिए, फिर उसके बाद आपको आपको यूज नहीं रह जाएगा उसका, तो इसलिए थोड़ा सा इंडिया कंडीशंस में अभी उतना सक्सेस हुआ नहीं, लेकिन अपना जो 8 सेटेलाइट्स भेजना इनको चाहिए, इंडिया का जो पेरिफेरी है 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो अपना कवर कर रहा है इंडिया का सेटेलाइट। अब बाकी ये आपके कुछ जो कंक्लूजन पॉइंट्स हैं ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या है, जीपीएस नेटवर्क सेटेलाइट बेस्ड कंटिन्यूटी ट्रांसमिट कोडेड इन्फॉर्मेशन मेक द पॉसिबल, ये सब क्वालिटी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये एडवांटेज है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतना पेशेंस के साथ हमें सुने
और बाकी इससे इसका एक्चुअली में पढ़ने में उतना मजा नहीं आता, लेकिन जितना आप लोग इसका यूज करेंगे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में, ज्यादा इसका मतलब इफेक्टिव यूज यहाँ पे हो सकता था या करा सकते कभी फ्यूचर में अगर टाइम मिलेगा तो जरूर हम लोग करेंगे इसपे। कि अपना खुद ही मोबाइल आज के सब आप सब लोगों के पास है, उसका लेके डेटा कैसे, उसका डेटा हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के हिसाब, फिर उसका जो भी आपको जिस तरह से जिसका यूज है उस तरह से वो अपने फील्ड में वो अपना यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। अभी जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे, उनमें से कोई कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें से, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, और अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज कर लीजिए, क्योंकि सभी ओपन है अभी, और अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हैं कुछ भी, अगर कुछ बोलना चाहें तो कहेंगे ना। और कोई इम्प्रूवमेंट तो कुछ नहीं है डॉक्टर साहब आपके लिए? इम्प्रूवमेंट तो नहीं, काफी है कि ये बता सकते हैं कि आपको कि क्या इनको आगे कुछ सीखना है तो हम लोग इस तरह पे आगे कभी काम करें इसी तरह के। हाँ शैलेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। सर, मैं ये कह रहा था जी कि डॉक्टर साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिया है ना, जी इसकी कॉपी भी अगर भेज देंगे तो थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल रिवाइज ठीक है, करने मैं के इसका लिए, पीडीएफ शेयर कर दूंगा, जो हमारा ग्रुप है ना उस पर पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से कर क्योंकि सकते हैं। इन्होंने काफी इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं और कई चीजें ऐसी बताई हैं जो हम लोगों को पता नहीं थी। तो अगर वो उसका अगर सॉफ्ट कॉपी भी रहेगा तो कभी अगर जरूरत पड़ी तो हम उसको बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका आइडिया है शैलेंद्र जी, और हम लोग इसको कर देंगे। इसको तो खैर कोई बहुत, डॉक्टर साहब ने कंसेंट दे दिया अपना कि आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो इनका ये मैं जो प्रेजेंटेशन है वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे ना, पीडीएफ पे शेयर कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी ओके, का, और शैलेंद्र जी और कुछ आप कुछ बोलना चाहे, क्योंकि आप सीनियर नहीं मोस्ट आदमी में से एक है, तो अगर कुछ सजेशन देना चाहे आगे इस प्रोग्राम के लिए या कुछ इस तरह का। नहीं सर, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। एक्चुअली बड़ी शॉर्ट नोटिस में आप बता रहे थे और हाँ कल ही बताया इनको, इन्फॉर्मेशन कल हम काफी लोग, कल अच्छी। इन्फॉर्मेशन आई तो हम लोगों ने कल रिक्वेस्ट किया डॉक्टर साहब से कि आप प्लीज एक ऐसा ले लीजिए लेक्चर, क्योंकि आजकल जीपीएस का जमाना है जी और सर, जीआईएस सब यही चल रहा है, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर साहब से, मैंने कहा कि प्लीज आप एक क्लास ले लीजिए, कम से कम बेसिक नॉलेज तो हो जाएगी भाई इस फील्ड में कि है क्या चीज। अब 24 सेटेलाइट का है, 6 ऑर्बिट्स का है, तो सब ज्यादातर को मेरे को लगता है कुछ आदमियों को मालूम होगा, सबको नहीं मालूम होगा। जैसे सीताराम जी है वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने चंदन हो गया, और बाहर से सेंटर से मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सभी अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं अलग अलग। तो दूसरे अगर वाले जीपीएस और जीआईएस जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने, तो अगर उससे रिलेटेड हम लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है तो एक अच्छी है हम लोग को, कम से कम अगर काम भी ना हो कम से कम एक जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो तो सबके पास आज आ ही गई होगी ऐसा मैं समझता हूँ उससे। हाँ सर, उसका इसका काफी यूज होगा। कभी अगर जैसे कहीं हम इसको रेफर करना चाहें ना अपना जीपीएस को, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू जिसमें भी आती है, मोबाइल में भी, वहां से भी हम जो है कर सकते हैं अपने जो वाटर सेट्स पे ना। जी, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन सर। धन्यवाद शैलेंद्र जी आपका कमेंट्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी अगर किसी का अगर क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आज का ये लेक्चर सीरीज का समाप्ति करते हैं, और इसका जो इसका लिंक, जो इसका अटेंडेंस का, उसका भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इतना इसका, इससे आप अपने अपना फॉर्म भर दीजिएगा और मैं उस पर भी इसको शेयर कर देता हूँ आपके इस पर। हाँ चौहान जी, ये व्हाट्सएप में भी कर दियो जी। जी मैं व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, पहले जी 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 भी इस पर कर देता हूँ। और सुरेश जी आज की ये जो लेक्चर सीरीज है इसका समापन करवा दीजिए आप कुछ। अजी हाँ, ठीक। तो साथियों, आप सभी का जो है धन्यवाद। और जो हमारी टीम है, हमारे चौहान जी हैं, हमारे भाटिया जी हैं, और कोरापुट से सुरेंद्र जी हैं, हम अपनी जो हमारी आयोजन टीम है उस टीम की ओर से सबसे पहले हम जो है डॉक्टर दीपक सिंह का बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमारा अनुरोध स्वीकार किया और ये इस कार्य में जो है अपना जो है सहयोग किया। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं।
और उसके अलावा जो हमारे संस्थान के माननीय निदेशक महोदय हैं और जो एचआरडी नोडल ऑफिसर है माके बिहारी साहब, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी टीम में जो है विश्वास जताया भाई ये लोग जो है इस चीज़ को जो है अच्छे से जो है कर पाएंगे, उनका धन्यवाद करते हैं। और जो आप सभी साथियों का जो है बहुत बहुत जो है धन्यवाद करते हैं। और मैं अपनी ओर से जो है जो मेरे साथी हैं अपने अमित चौहान जी, भाटिया जी और सुरेंद्र वर्मा जी, इनका बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। और ये जो लिंक है इसका अटेंडेंस का या फीडबैक फॉर्म कुछ भी कह लीजिए, जो इसका लिंक है इसका मैंने इस पे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है अपने ग्रुप में, और जो चैट वाला बॉक्स है इसमें भी आपका सबके साथ शेयर कर दिया है। तो सब अपनी अपनी जो अटेंडेंस है वो मार्क कर दीजिएगा, हो सकता है कोई अपने जरूरी काम से कहीं बाहर फील्ड में हो तो उनका तो कुछ नहीं है, लेकिन ज्यादातर इस पे लिंक अभी जिंदा रहेगा ना थोड़ी देर ये। हाँ हाँ जिंदा रहेगा ठीक 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 है जी, ठीक जिंदा है जी 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 ठीक सर, ठीक चौहान जी। दो मिनट के लिए मैं बोलना चाहूंगा। जी जी भाटे जी, आपका तो मैं बोलने वाला था कि आप भी दो शब्द बोलिए आज के इसके कार्यक्रम के बारे में। मैं आज के कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम तो डॉक्टर दीपक सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने बहुत नॉलेजेबल चीज हमें बताई है जिसका यूज आज के दिनों में बहुत ज्यादा है, और उन्होंने बेसिक से जाके स्टार्ट किया है तो इसका हम लोगों को बहुत ज्यादा यूजफुल है हम लोगों के लिए। और उसके साथ फिर मैं अपने जो डायरेक्टर साहब है उनका धन्यवाद करता हूँ, अपने नोडल ऑफिसर बाकी प्यारी जी का धन्यवाद करता हूँ, चौहान जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम सेटअप चलाया है। और मेरी प्रार्थना डॉक्टर मुर्गेशन से है, मुर्गेशन अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरा एक मिनट जवाब दें। मुर्गेशन ऊटी, हेलो, चलो मुर्गेशन जी चले गए, मैं उनसे कांटेक्ट कर दूंगा। अगर कोई और सुन रहा हो तो उन्हें कह दीजिए कि 10 तारीख से पहले जो उनका लेक्चर है 10 मार्च से पहले उसकी आप हमें लिख के उसका टाइटल वगैरह लिख के भेज, धन्यवाद। तो सर मैं बता दूंगा सर उनका। हेलो, थैंक यू शिवलिंगम जी। मेरा नाम शिवलिंगम सर, फार्म ऑफ फ्रंट, मैं बता दूंगा। थैंक यू शिवलिंगम जी, आप उन्हें बता दीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार। और मुर्गेशन कैसे हो? हां बढ़िया सर, बढ़िया सर। मुर्गेशन 10th ऑफ मार्च से पहले आप अपना टाइटल वगैरह भेज दीजिएगा हमें, ठीक है सर। और आप लोग सब ठीक है सर? आज का आपको काफी यूजफुल लगा ये जो जीपीएस का डॉक्टर दीपक ने पढ़ाया है? हाँ बढ़िया सर, बढ़िया सर। जी जी जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं भी अभी एक बार पुनः जो है अपने संस्थान के निदेशक डॉक्टर मधु और हमारे आजकल इसके कोऑर्डिनेटर नोडल ऑफिसर ट्रेनिंग के डॉक्टर बांके बिहारी, हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर सुरेश चौधरी जी और भाटिया जी और सुरेंद्र, इन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना टाइमली सब हेल्प किया, और सबसे ऊपर आप सभी पार्टिसिपेंट्स का और डॉक्टर दीपक का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे आके हम लोग के अपना व्यस्त समय से हम लोग के लिए अपना टाइम निकाला। इसी के साथ में आज का जो ये ट्रेनिंग का वो है इसको बंद करता हूँ और आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। अब मार्च के महीने में संभवतः इसी टाइम के आसपास हम लोग की मुलाकात होगी, और इस बार जो लेक्चर सीरीज में लेक्चर होगा वो भाटे जी ने पैनल करने आया है कि हमारे ऊटी सेंटर की तरफ से होगा। आप सभी का धन्यवाद, ये मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ मैं, और आप अपनी सभी जो है अटेंडेंस माफ कर दीजिए प्लीज। हेलो चौहान जी, यार इसमें जो ये गूगल फॉर्म है चैट बॉक्स में, इसमें अटेंडेंस प्रेजेंट वगैरह तो लिखने का कहीं कुछ था नहीं इसमें, तो नाम और ये सब? हाँ वही वही हो जाएगा आपका, जो आप भर के भेजेंगे वही आपके अटेंडेंस है सर। जी 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 जी, ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके, वाणे वाणे।